मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर तेज हो गया है, जिसके चलते मंगलवार को प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। रीवा में सबसे अधिक 4 इंच बारिश हुई, जिसके कारण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ रीवा से होना था, लेकिन झमाझम बारिश ने इस आयोजन में बाधा डाल दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव को जबलपुर से रीवा के लिए सड़क मार्ग से जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका रीवा दौरा रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने जबलपुर एयरपोर्ट से ऑनलाइन माध्यम से इस अभियान का शुभारंभ किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को संबोधित किया। उन्होंने बारिश की चुनौती के बावजूद स्वच्छता अभियान के महत्व को रेखांकित किया और प्रदेश भर में सफाई कार्यों को प्रोत्साहित किया। रीवा में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कुल 9 घंटे में 4 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते इलाके में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। इस भारी बारिश के कारण स्थानीय कार्यक्रमों को रद्द या स्थगित करना पड़ा। प्रदेश के अन्य जिलों में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। सिंधी में 3 इंच, सतना में 2 इंच, ग्वालियर और नरसिंहपुर में 1.5 इंच, जबकि दामो और जबलपुर में 0.5 इंच बारिश हुई। राजधानी भोपाल में भी अचानक मौसम में बदलाव आया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे कई क्षेत्रों में सामान्य जीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। गुना, धार, शिवपुरी, छिंदवाड़ा और अन्य जिलों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिससे सतर्कता की जरूरत है। इस मौसम संबंधी घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। स्वच्छता ही सेवा अभियान को प्रदेश भर में सफल बनाने के लिए बारिश के बावजूद प्रयास जारी रहेंगे।